हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे और भी रोचक जानकारी वाले अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्भावस्था में भूल कर भी ना करवाए जाता अल्ट्रासाउंड, नहीं तो गर्भावस्था के दौरान कई तरह की जांच की जाती है। इनमें एक्सरे, खून जांच, पेशाब जांच इत्यादि के साथ ही अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आप शरीर के भीतर होने वाली हलचल या किसी भी गड़बड़ी को पारदर्शिता से देख सकते हैं। यानी अल्ट्रासाउंड फोटोकॉपी की तरह होता है। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड समय समय पर करवाया जाता है, जिससे होने वाले बच्चे के विकास अन्य चीजों की देखरेख की जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था में अल्ट्रासाउंड के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि एक दो बार अल्ट्रासाउंड का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना लगातार करवाने वाले अल्ट्रासाउंड का पड़ता है। चलिए गर्भ अवस्था में अल्ट्रासाउंड के अतिरिक्त प्रभाव के बारे में जानते हैं। शोधों में साबित हुआ है कि अल्ट्रासाउंड से निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगों से होने वाले बच्चे के दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है और बच्चे के मानसिक विकास में बाधा आती है। लगातार या नियमित रूप से गर्भवती यदि अल्ट्रासाउंड करवाती है कि होने वाले बच्चों में कोशिकाओं के विकास और उसके विभाजन में बाधा उत्पन्न की संभावना बराबर बनी रहती है। शोधों में यह भी साबित हुआ है कि लगातार अल्ट्रासाउंड करवाने से डीएनए सेल्स को नुकसान पहुंचता है और इसके साथ ही शरीर में ट्यूमर सेल्स भी बढ़ने लगते हैं, जो कि मौत का जोखिम बढ़ा देते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि इससे अनुवांशिक कैंसर का खतरा लगातार बढ़ जाता है। शोधों में पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड करवाती है, उनके होने वाले बच्चे का वजन कम होने की आशंका दुगनी हो जाती है। इतना ही नहीं, होने वाला बच्चा कमजोर हो सकता है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने वाली महिलाओं के बच्चे अति संवेदनशील हो जाते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इससे उन्हें कोई भी बीमारी जल्दी अपनी चपेट में ले सकती है। बहरहाल इस पर अभी भी मतभेद है कि गर्भावस्था के दौरान ध्वनि तरंगों का प्रयोग माँ और होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, कई शोधों के बावजूद अल्ट्रासाउंड से होने वाले साइड इफेक्ट भी पुख्ता नहीं है। फिर भी गर्भवती महिला को खुद का और अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए और गर्भधारण टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगली बार फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।